नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति है ना, उसमें देखो WPI CPI इसके प्रभाव, इसके कारणों पर फोकस करने का काम करें, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि भारत में मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा करें तो हर अर्थव्यवस्था प्रभावी वित्तीय प्रशासन के लिए मुद्रास्फीति की गणना करती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के बहुपक्षीय प्रभाव ने इसे जरूरी बना दिया है। अभी आप देख सकते हो कितने सारे सेक्टर को प्रभावित कर रही है। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल सूचियों पर रहता है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो WPI जो है मुद्रास्फीति, जहां मैक्रो लेवल पर नीतियां बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, CPI मुद्रास्फीति माइक्रो लेवल के विश्लेषण के लिए। तो देखिए WPI मैक्रो लेवल, CPI माइक्रो लेवल के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। WPI की मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति होती है, दोनों ही सूची पॉइंट टू पॉइंट पद्धति का इस्तेमाल करती है, पॉइंट के साथ प्रतिशत में भी दर्शाई जाती है जो किसी खास आधार वर्ष से जुड़ी हो। तो इस पे चर्चा हम लोग और भी करेंगे, भारत में मुद्रास्फीति से रिलेटेड WPI CPI कई कई बातों पर, ठीक है।